राजद के प्रदेश सचिव रितेश रंजन ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की पोल खोलकर रख दी। राजद नेता ने बताया कि सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है, सरकार वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनाव कराना चाहती है। एक तरफ जहां कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं सरकार चुनाव कराने की ठान रखी है। वहीं राजद नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि हवाई सर्वे करने में भी मुख्यमंत्री साहब को डर लग रहा है, उसे डर सता रहा है कि क्षेत्र भ्रमण करने के दौरान कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। उन्हें बिहार की जनता की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव इसलिए जल्दी कराना चाहती है क्योंकि कोरोना काल के लंबे समय अगर चल गई तो जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी और उसी डर से सरकार जल्द चुनाव कराना चाहती है। दूसरा, एक मुख्यमंत्री है, उसको पूरे सूबे की चिंता होनी चाहिए। और हम कहते हैं पहले जनता रहेगी तब तो चुनाव होगा। आप चुनाव की चिंता कर रहे हैं, एनडीए चुनाव की चिंता कर रही है और आज देश में वैश्विक बीमारी कोरोना का संकट है और बिहार जो है उस मामले में सबसे ज़्यादा कम टेस्ट होने वाला जगह रह गया। ये यहाँ आपको चिंता कब हुई? आपने दोबारा लॉकडाउन कब लगाया? जब बीजेपी के कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, जब नीतीश कुमार के आवास में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। क्या आज सरकार को यहाँ के आम आवाम की चिंता नहीं है? क्या चुनाव इतना ज़रूरी है कि वो आम आवाम के ज़िंदगी से जो है ऊपर हो गया चुनाव? क्या ये लोग सत्ता को देखने वाले लोग हैं और सत्ता सुख के लिए ये चिंता करते हैं? और हम दावा करते हैं कि ये इसीलिए चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, संक्रमण का दौर बढ़ता जाएगा और इनकी पोल खुलती जाएगी कि इन्होंने क्या व्यवस्था किया है, और उस समय लोगों का आक्रोश का ये सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये चुनाव चाहते हैं कि जल्द हो। और विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष जो है चुनाव के डर से भागना चाहता है। विपक्ष की चिंता हमेशा जो है आम और आवाम रही है। हमारे तेजस्वी यादव जी जो हैं, हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो हैं, ऐसे समय में एक मसीहा बनकर के लोगों के लिए खड़ा होते थे। आप देखिए, स्टार्ट करिए कि जब हमारे यहाँ कोरोना का संकट हुआ, हम कहते हैं ठीक है उसका वैक्सीन नहीं बना, उसका वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो लोग इससे ग्रसित हैं, इसके बचाव के जो उपाय हैं, वो भी क्या आपके हाथ में नहीं है? आज NMCH को आपने इसके लिए हॉस्पिटल बनाया और वो NMCH में पानी चला जाता है। आप वहाँ जो है इलाज के लिए जो डॉक्टर हैं उनको प्रॉपर आपने किट नहीं दिया। आज आप सहरसा जिला कोसी का ग्रामीण इलाका है, हमको बताए कि जहाँ हम बैठे हुए सिमरी बख्तियारपुर में, वहाँ पर कितने लोगों का टेस्ट डेली हो रहा है? क्या व्यवस्था प्रशासन का यहाँ पर है? आज चारों तरफ कोसी का इलाका बाढ़ से जो है प्रभावित है और आज प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है और नीतीश कुमार क्वारंटाइन हुए पड़े हैं। नीतीश कुमार को क्या लोगों के बीच नहीं होना चाहिए था? उनको क्या कमिश्नरी वाइज भी जो है हवाई सर्वेक्षण करने में भी डर लगता है? नीतीश कुमार सच में अगर जो है जन नेता हैं और अपने को मानते हैं तो एक बार सड़क पर उतर के देखें, जनता का आक्रोश उनको बता देगा कि 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। ये सब